लीजिए। शुक्रिया। आपके लिए खास चाय बनवाई है हमने। सुना था कि आपको बहुत कम लोगों की चाय पसंद आती है। सब प्रभु की लीला है माया जी, स्वाद भी उसका, जुबान भी। तो चाय पसंद आई हमारी चेला राम जी। अच्छी है। आपका वो मिल वाला धंधा कैसा चल रहा है? चेला राम जी, अन्याय से हमें नफरत है, फिर वो अन्याय कहीं पे भी हो, बेईमानी का खेल न मेरे यहाँ खेला जाता है न खेलने दिया जाता है। गरीब लोग हैं ये, इनका भला बुरा हम और आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा चेला राम जी? सब प्रभु की लीला है माया जी। अरे भाई, आप तो बिल्कुल वैसा ही सोचती हैं जैसा कि मैं। पर आपके यहाँ राजपुरा में ही एक आदमी है जो बेईमानी की मीनार पर चढ़ा है, उस पर बैठकर शतरंज की मोहरे चल रहा है और बेचारे गरीब लोग उसकी मोहरों के नीचे कुचल रहे हैं, वो भी बरसों से। चाचा गजेंद्र, हमने तो सुना था कि मित्र हैं आप उनके, दुर्योधन को साथ है कर्ण का। भाई, हमने तो कुछ ऐसी ही कहानियां सुनी थी। मित्र हैं नहीं माया जी, मित्र थे हैं और थे में काल बदल जाता है। सब प्रभु की लीला है। अब तो मैं नए मित्रों की तलाश में निकला हूं, कुछ खास मित्र शहर में मिल भी गए, आप तो जानती हो। आपकी चाय पसंद आई मुझे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आज तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रही हो? हाँ बहन जी, वो कमला बहन जी मुझे रास्ते में मिल गई तो। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, बैठो बैठ। अब बोल ना, नर्स बहन जी सामने ही है। क्या बात हो गई? अब शर्मा क्यों रही है, बोल दे। वो बहन जी, पिछले एक हफ्ते से पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द है। मैं समझ गई, अच्छा किया जो तुम चली आई। कब से हो रही है ये समस्या? जी यही कोई एक हफ्ते से। मंगला, तुम एक काम करो, सीएससी चली जाओ, वहां जाकर किसी महिला डॉक्टर से अपनी अच्छे से जांच करा लो। समय पर इलाज कराने से इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है और इसकी जांच हमेशा प्रशिक्षित डॉक्टर से ही करानी चाहिए। गांव की कुछ औरतें ओझा नीम हकीम से इसकी दवाइयां ले आती हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मंगला, गांव की कई औरतों को यह समस्या है, मैंने उनसे भी यही कहा है। लेकिन नर्स बहन जी, अगर आप ही कोई दवा दे देते तो। नहीं मंगला, बिना जांच के मेरा कोई भी दवाई देना सही नहीं होगा। तुम तो समझदार हो, ये बात समझती हो कि बिना जांच के दवाई खाना किसी के शरीर के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। एक बार जांच हो जाए फिर जो दवाई दी जाए उसे नियम से खाना। मंगला, तुम तो बहादुर लड़की हो, देखो
कई बार साफ सफाई ना रखने के कारण ऐसे संक्रमण हो जाते हैं। इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक बार डॉक्टर जांच करके दवाई दे देगा, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है ना? चल कल सवेरे मैं चलूंगी तेरे साथ CHC, ठीक है? जीजा, चेला राम कहाँ है? मंगत जीजा, वो तो चले गए। चले गए बड़े घर की चौखट को छुए बिना चेला राम राजपुरा से चला गया। किसके घर गया होगा? माया के। तुम्हारी चेला राम से कुछ बात हुई? जीजा, मंगत दुश्मनों की चौखट पर माथा नहीं रगड़ता, पर मैंने अपना आदमी आपका संदेशा लेके भेजा था, पर माया के आदमियों ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। फिर इंतजार किया जीजा। माया की चौखट के बाहर मंगत चील उड़ाता रहा। जब चेला राम जी बाहर आए तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उनसे दूर रहे, फिर दोबारा उनसे मिलने की कोशिश ना करें। मन में तो आया जीजा कि उसका सर काट करके माया के पास भेज दूं, जब वक्त बुरा होता है तो अपनी छाया भी आंख तरेरती है। मंगत, ये टुटपुजिया और छोटा नेता जब बड़े घर की सीमा लांग ले तो क्या चीजा? बादलों के पीछे छिप रहा है बड़े घर का सूरज। हमारे ही घोड़े हमें सवारी करने से मना कर रहे हैं। वक्त की नब्ज पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बाजू मरोड़ दें इस वक्त की। तुम कब, कहां और किस वक्त जाओगे, इसका फैसला हम करेंगे। हम बड़े साहब को जितना खून बहाना था उन्होंने बहा लिया, अब मेरी बारी है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।